मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर भोपाल में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीएम मोहन ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री का जीवन खुली किताब की तरह है। अटल जी के भाषण, उनके विचार, उनकी शब्द रचना जैसे छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, धैर्य का संदेश देते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल जी ने आजादी के पहले से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में अपनी यात्रा प्रारंभ की और पांच पांच प्रधानमंत्री के सामने लगातार 50 साल विपक्ष की भूमिका को मजबूती के साथ निभाया। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें अटल जी के उदार विचार और भाषण सुनने को मिले और यही हमें आज भी संबल प्रदान करते हैं। स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका जीवन एक खुली किताब की तरह है और उनके भाषण, उनके विचार, उनकी शब्द रचना जैसे छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता है। अब ये अपने आप में कितना बड़ा ध्येय वाक्य की तरह ध्यान में आ जाता है। और पूरे जीवन अपना आजादी के पहले से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बन करके जो हमने अपनी यात्रा प्रारंभ की और पांच पांच प्रधानमंत्री के सामने लगातार 50 साल बहुत होते हैं विपक्ष के नेता बनना, दुनिया के अंदर आज भी ये रिकॉर्ड है। विपक्ष के इतने लंबे उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए लेस मात्र भी सत्ता की इच्छा आकांक्षा के लेकर के कोई मनोभाव नहीं, जो भूमिका अच्छे से निभा सकते हैं। और यही कारण है एक बार नहीं दो दो बार संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी की पहली बार, हम सबके लिए सौभाग्य की बात, आज हिंदी का महत्व का भी दिन है और उन्होंने सबके बीच हिंदी को स्थापित करके दिखाया, स्वभाषा से प्यार क्या होता दिखाया और नरसिम्हा राव सरकार में अपोजिशन के लीडर को सरकार के नुमाइंदे के बना करके संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी भूमिका कितनी अच्छे ढंग से रख सकते हैं। और हमारे पड़ोसियों के लिए भी सबक भी दिया, एहसास भी कराया और कहा कि सब बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। ये उनके अपने जो उदात्त विचार है, मैं आज के इस अवसर पर अटल जी को हम सब मिलकर के जीवन भर कभी भूल नहीं सकते। हम तो सौभाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने अटल जी की सरकार भी देखी, अटल जी के भाषण भी देखे, अटल जी के पार्टी के साथ खड़े होकर के काम करने का मौका मिला। जहां भी होंगे अटल जी हमारे लिए, भारत के लिए, आप पूरे देश के लिए, समूची मानवता के लिए दुआई दे रहे होंगे। मेरी अपनी ओर से पुण्य स्मरण, ओम शांति। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जनसंघ से लेकर बीजेपी को खड़ा किया। सबसे अधिक सर्वमान्य नेता कोई था तो वह अटल जी थे। वह बीजेपी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उनके कुशल नेतृत्व का काम है जो आज हम सब यहाँ हैं। उन्होंने जो राह हमें दिखाई आज हम सब उसे लेकर आगे जाएंगे। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। श्रद्धेय वाजपेयी जी ने जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी को, जो इस देश के अंदर उनकी अथक मेहनत और परिश्रम से जो खड़ा किया और ऐसा माना गया कि भारत के राजनीतिक इतिहास में सर्वमान्यता किसी नेता की रही तो वो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी थे। और अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते से उन्होंने 1980 में कार्यभार संभालने के बाद आज हम सबका सौभाग्य है कि वो भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। इसलिए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सहजता सरलता के साथ संगठन के प्रति प्रतिबद्ध होकर के काम करने की भूमिका उन्होंने जो निभाई, आज हम सब कार्यकर्ता उनकी इस पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब मिलकर के संकल्प लें कि अटल जी के और अटल जी ने जिस संगठन को खड़ा किया, हम सब उसे अपनी भारतीय जनता पार्टी को
आगे बढ़ाने में हमारी सबकी अपनी भूमिका बनेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं उनको श्रद्धा के सुमन भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से उन्हें अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।